हेलो, तो पहले सीन सुनो अभी ना यार, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ना हैंडओवर लेने जाना है, तो हमने ऑलरेडी नई प्रॉपर्टी देख ली है, उन्होंने अपना सामान वहाँ से निकाल लिया है, अब मुझे कीज लेनी है। भैया को एकदम सुबह सुबह फोन आया, मैं तो कपड़े पहन के जिम जा ही रहा था, बट भैया सेट भाई अभी चाबी ले लो वरना पता नहीं। और भाई भागम भागा जैसी है, 1:30 बजे ना मैंने वो नहीं सॉरी 12:30 बजे मैंने डक्टिंग वाले भैया को भी बुलाया हुआ है, और 12:30 बजे टाइल वाले भैया भी आएंगे, और मैंने अपने हेड शेफ को भी बुला लिया ताकि भाई एक बार जगह देख लें, हम एक रफ स्केच बना लें कि कहाँ पे क्या रखेंगे। एंड इस बार यार वो इश्यूज ना आए जो हमें पहली वाली जगह पे आए थे। हम तो वहाँ पे डक्टी चेंज करवाते रहे पूरे एक साल, सेटिंग ही चेंज करवाते रहे और रोते रहे। आई रियली डोंट वॉन्ट यार वो चीज़ें वापस रिपीट हो, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ करें, ठीक है। अभी तो मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा हूँ, और भाई ये बोर्ड वालों ने मेरा ना मैं क्या बताऊं भाई, इतना काटा है ना बोर्ड वालों ने। ये देखो मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं, किसी काम के नहीं है भाई। मैं गया चूना मंडी, वहां पे मैंने सबसे रेट्स लिए, जब मैं इनको कॉल कर रहा हूँ कि भाई आ जाओ मैं पैसे दे रहा हूँ तुम्हें और नाप ले लो, भाई फोन ही नहीं उठा रहे। आई मीन ये इतना सारा बिजनेस है इनके पास। अरे डोंट नो, मुझे तो लग रहा है एक चक्कर और लगेगा मेरा चूना मंडी में। भाई मैं लेट हो रहा हूँ सीरियसली, अब चलते हैं एंड सबसे पहले चाबी लेते हैं भैया से, फिर भाई आज का तो पूरा दिन पैक्ड है। 3 बजे यार ऑफिस की कॉल भी रख दी। शिट भाई, हेलो, चाबी मुझे मिल गई एंड दिस इज आवर न्यू स्पेस। और यहाँ ना पहले एक बढ़िया सा शोरूम था, बट अब यहाँ किचन बनेगी। पूरे एरिया में टाइलिंग वर्क करवाना है, ठीक है। ये एसी अपना छोड़ गए हैं, आई थिंक यहाँ ना हम एक पार्टीशन लगवा देंगे। ऑल्सो यहाँ ना ये जो शटर है ऊपर चला जाता है, और यहाँ बैठने की जगह है, और यहाँ शीशा है, और यहाँ से दिखता है कुतुब मीनार। तो भाई बढ़िया व्यू है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक टेबल भी रख दूँ, और वहाँ पे 2 टेबल्स बार, एंड ये सारी हमारी सेंट्रल किचन, एंड ये यहाँ पे ये फ्रिज एरिया बन जाएगा। और ओ भाई साहब चूहा, शिट, ये ना एक छोटी सी स्टोरेज भी है जो कि हमें लगा था छोटी है, बट भाई दिस इज मैसिव। और ये हमारा बर्तन धोने वाला एरिया बनेगा, वो एक और एंट्रेंस है जहाँ से मैं पीछे से आराम से आऊँगा। एंड हाँ ये सीन है, और डक्टिंग वगैरह यहीं से ही सारी निकलवाएंगे, ये तोड़ना पड़ेगा। और यार ये इतनी बढ़िया फॉल सीलिंग बना रखी है ना, बट सब टूटेगा यार ये। अगर इसको कॉफ़ी शॉप बनाते ना, लिटरली बहुत कम खर्चा होना था और एक बढ़िया कॉफ़ी शॉप बन जाती। हाउएवर यहाँ तो ऑर्डर लगेंगे भाई, टक 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 ये सीन होगा। अब देखते हैं क्या क्या तोड़वाना है। एक बार मैं सोच रहा हूँ पापा जी को भी बुला लूँ अपने, एंड वो भी बता देंगे क्या टूटवाना चाहिए क्या नहीं, फिर देखते हैं। यहाँ पे ना जो ग्रीन हो रखा है उसको हम रेड पेंट करवा देंगे, क्योंकि हमारी थीम वाइट और रेड है, एंड आई थिंक विल बी सॉर्टेड। 10 से 15 दिन ईजी लगेंगे इसको ट्रांसफॉर्म करने में, लेट्स सी। घर जा रहा हूँ मैं तो वापस, एंड अभी जल्दी से नहाता धोता हूँ, फिर वापस आना है यहाँ पे। वो चिमनी वाला भाई आएगा, शेफ भी आएगा, आई होप सो। पूरा दिन कोई ना कोई आएगा, तो मुझे इसी एरिया के आसपास रहना है। ओ हाँ भाई, तो मैंने आपको एड्रेस और लोकेशन नहीं बताई। तो अभी भी ना वो श्राद्ध चल रहे हैं, तो थोड़ा वो है मुझे। अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं कल या परसों से, तो कल बताता हूँ कल वाले ब्लॉग में मे भी, ठीक है। घर पहुँचते हैं एंड नहा धो के भाई फिर भागते हैं काम के लिए। A few moments later. Hello again. भाई अभी मैं बस किचन पहुँचने ही वाला हूँ, एंड डक्टिंग वाले भैया का आधा घंटे पहले फ़ोन आया था कि वो इंडिया गेट पे हैं, आ रहे हैं, और हेड शेफ को भी बोल दिया है, वो शायद उसको टाइम लगेगा, बट टाइल वाले भैया को मुझे कॉल करना है एक बार। तो यार वीडियो बन रही है, अभी भैया को कॉल करते हैं। अरे भाई आराम से ब्रो, कहाँ जाएगा, पेशेंस भाई पेशेंस। चलो भाई ठीक है, पहुँचता हूँ एंड सी यू इन अ व्हाइल। काफ़ी देर डक्टिंग वाले भैया से बात करने के बाद जब भैया ने मुझे अपना 1.5 लाख रुपए का कोड दिया, तो मेरे दिल ने तो बस एक ही चीज बोली, बाप रे भाई। डक्टिंग वाले भैया के जाते ही हेड शेफ भी आ गए थे। बड़ी देर चीजों को डिस्कस करके कैलकुलेट करने के बाद एक अपडेट है। तो अपडेट ये है, शेफ ने
किचन देख ली है, ठीक है, वो बोल तो रहे थे कि भाई बहुत छोटी है, ये वो है, मैंने कहा ठीक है ना, सब होगा। एंड टाइल वाले भैया ने काट दिया, बोर्ड वाले भैया ने काट दिया, बट टाइल वाले भैया शायद कल आ जाएंगे। बोर्ड वाले का सिस्टम समझ नहीं आ रहा भाई, और बोर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बोर्ड नहीं बनेगा तो गूगल से हमारा वो पुराने वाला एड्रेस चेंज नहीं होगा, तो ये यार दिक्कत है, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, नहीं अभी पहले मंदिर जाएंगे, फिर देन होम। पूरा दिन निकल गया भाई, पता ही नहीं चला। हनुमान जी के दर्शन करके और मेरा फेवरेट बूंदी का प्रसाद खा के आई एम होम। एंड यार मैं ना बहुत होपलेस था, मैं तो रैंडमली गाड़ी में ही, गाड़ी चलाते हुए पहाड़गंज में जो ये बोर्ड वाले हैं रैंडमली फोन कर रहा हूँ मैं, एंड मुझे दो तीन लीड्स मिली हैं, बट एक डिसएडवांटेज है, मैं उनको कह रहा हूँ कि यार आप मुझसे पैसे ले लो, किसी को मेरी लोकेशन पे भेजो और नाप ले लो जगह का, फिर बोर्ड बनाओ मेरे लिए। बट दे आर सेइंग कि वो नाप आप ही लेके दे दो और हमें बता दो, हम बस बना के लाएंगे और फिट कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, ये भी करना पड़ेगा, तो कल मैं नाप ले लूंगा और ऑर्डर दे दूंगा, फिर मुझे नहीं पता यार वो लोग कितने दिन लेते हैं, बात करके देखते हैं टाइम है जिनसे मैं ले लूंगा। मतलब वैसे ना ये जो बोर्ड्स होते हैं मैं यहाँ पे भी बनवा सकता हूँ, बट यार लिटरली 3 times का फर्क है, जो चीज 60 rupees पर इंच या फिर 55 rupees पर इंच या फिर 75 rupees पर इंच बन रही है, वो मेरे लोकल एरिया में तो 170-180 rupees इंच बन रही है। तो मैंने कहा यार वहीं से करवा लेते हैं, ठीक है। अब तो इट्स लाइक बस मुझे 3-4 days में ना बोर्ड इंस्टॉल करवाना है, ताकि वो गूगल की वेरिफिकेशन हो एंड आप लोगों को हमारी सही लोकेशन पता चल जाए व्हेनेवर यू फाइंड अस ऑन गूगल। तो ये सीन है, अभी के लिए भाई बहुत हो गया, वीडियो एडिट करते हैं एंड कल लेट्स सी क्या होता है। आई रियली होप भाई टाइल वाले भैया आ जाएं, ठीक है, ताकि एक काम तो हो। एंड कल यार लाइसेंस भी अप्लाई करना है, फसाई का लाइसेंस, फिर एमसीडी लाइसेंस तो इस बार करना ही पड़ेगा। बात कर लिया उसके लिए भी मैंने, वो भी हो जाएगा। पोल्यूशन का एक लाइसेंस होता है, वो भी हो जाएगा। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ हो जाए, बट होगा ही नहीं, वो तब की तब देखेंगे, वरना करवा लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ एंड कल मिलते हैं।